झारखंड सरकार द्वारा प्रोजेक्ट भवन रांची के नए सभागार में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों एवं झारखंड उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा में जान गंवाने वाले युवाओं के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीड़ितों को न्याय देने के उद्देश्य से उनके परिजनों के बीच 1,82,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री ने उत्पाद परीक्षा के दौरान 15 युवाओं के जान जाने वाले परिजनों से मिले, उन्हें सांत्वना दिया। वहीं झारखंड के अलग अलग इलाकों में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए 28 लोगों और एक घायल व्यक्ति के परिजनों से भी मुलाकात की। इन सभी पीड़ित परिवारों के बीच कुल 1,82,00,000 रुपए आर्थिक सहायता हेतु प्रदान की गई। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने फेसबुक पेज पर इन तस्वीरों को साझा करते हुए अपनी बातों को व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि आज का दिन उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन रहा। पीड़ित परिजनों से मिले सीएम ने कहा कि यह राशि पीड़ित परिजनों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन यह एक छोटा सा प्रयास है उनके दुख में साथ खड़े होने का। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। झारखंड में सामाजिक समरसता बढ़ाना व्यक्तिगत लक्ष्य है, जिससे हम एक बेहतर, सुरक्षित और न्याय संगत समाज बनाने की ओर बढ़ सकें। हमारे यहाँ असेंबलिंग, नेटवर्किंग समेत ब्रांडेड डेस्कटॉप लैपटॉप्स का सेल एंड सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास बेहतर सीसीटीवी कैमरा, प्रिंटर्स, गेमिंग आइटम समेत म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर से जुड़ी सभी चीजें किफायती कीमतों पर उपलब्ध है। हम अपने कस्टमर्स के साथ अपना विश्वास बनाते हैं। हमारा पता कंप्यूटर पॉइंट, नगर पालिका कैंपस, मधुपुर, झारखंड। आपके शहर मधुपुर में शांत वातावरण के बीच वाइड इम्पो मैरिज हॉल एंड फैमिली लॉज खुल गया है। पार्किंग की व्यवस्था, आरामदायक बेडरूम समेत पार्टी ऑर्गेनाइज के लिए खूबसूरत हॉल और स्टेज भी उपलब्ध है। सभी सुविधाओं के साथ हमारा पता पथरचट्टी रोड पेट्रोल पंप के बगल मधुपुर, झारखंड।